वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बट नॉट लिस्ट। हमारा ये टॉपिक रहता था कि रिजोल्वेंट कर्नल आइटरेटेड कर्नल मेथड से हम फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे चेंज करेंगे। हमने आइटरेटेड और रिजोल्वेंट कर्नल से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था, ठीक है। एज इट इज मेथड रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, बिकॉज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में जो हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल्स की फॉर्म में। यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट की वैल्यू, जैसे ए टू बी बोला है मैंने, ओके। तो यहाँ से यहाँ पे हम जस्ट ये डिफरेंस देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स की फॉर्म में लिमिट थी और यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगी, फिक्स्ड नंबर आएंगे कर्नल्स, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप करवा लेता हूँ, कर देता हूँ। आइट्रेटेड कर्नल क्या थे, जो सबसे पहले हमारे पास वोल्ट फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन जो गिवन दी हुई है वो हम कंसिडर करके चल रहे हैं। मान लो फाइ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी, बिकॉज हम फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो अब हम लिमिट क्या लेंगे, फिक्स्ड कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था हमारे पास, कर्नल के ऑफ एक्स एक्साई फाई एक्साई डी एक्साई, ओके। ये हमारे पास मैंने सेकेंड काइंड की और नॉन होमोजीनियस फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन ले लिया। अब इसमें जो कर्नल होता था उस सबसे पहले कर्नल को हम के वन एक्स एक्साई मानते थे और उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला होता था के टू के थ्री के फोर के फाइव, ये सब कर्नल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था के एन प्लस वन एक्स एक्साई इज इक्वल टू ए टू बी के एक्स टी, ठीक है। वे टी इज ए डमी वेरिएबल, टी एक्स और एक्साई के मिड में कोई हमारे पास क्या होगा, डमी वेरिएबल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आइटरेटेड कर्नल आ जाएंगे के वन के टू के थ्री के फोर के फाइव एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद बात आती है रिजोल्वेंट कर्नल की। तो रिजोल्वेंट कर्नल हमारे पास क्या होता था, के वन इंटू लेमडा के टू प्लस लेमडा स्क्वेयर के थ्री प्लस अप टू सो ऑन, और इसको हम समीशन की फॉर्म में ऐसे लिखते थे, ठीक है। और लेमडा हमारे पास क्या होता था, पैरामीटर, ठीक है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि लेमडा हमारे पास क्या होती थी, आइगन वैल्यू। लेमडा की वैल्यू को हम क्या बोलते थे, आइगन वैल्यू, इस पैरामीटर के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आती थी। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास है फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन। अब बात आती है इसके सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन पार्ट भी एज इट इज होगा जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसका अगर मैं सोल्यूशन लिखूं तो सोल्यूशन इसका होगा फाइ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा लिमिट ए टू बी, ठीक है। के ऑफ एक्स एक्साई की जगह क्या आ जाएगा, रिजोल्वेंट कर्नल आर ऑफ एक्स एक्साई लेमडा, ठीक है। लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग रिजोल्वमेंट कर्नल आए इन टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्साई, ठीक है, एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। लिमिट फिक्स है ए टू बी, ए और बी हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। जैसे वन टू टू, जीरो से पाई, जीरो से टू पाई, कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाता था, सोल्यूशन हो जाता था। इज दट क्लियर। अब बात आती है कि हम आइटरेटेड कर्नल, अगर हमारे पास लिमिट्स है वो अगर कॉन्स्टेंट की फॉर्म में है तो हम लिमिट्स कैसे फाइंड, आइटरेटेड कर्नल कैसे फाइंड आउट करेंगे, के वन के टू के थ्री अप टू सो ऑन, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले कुछ एग्जांपल करके चलते हैं जिसमें हम सिर्फ आइटरेटेड कर्नल निकालेंगे, ओके, या फिर रिजोल्वमेंट कर्नल निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या किस पे जाएंगे, फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशंस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास था रिकैप, आइटरेटेड कर्नल क्या होता है, रिजोल्वमेंट कर्नल क्या होता है, और फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम एज वी डिस्कस्ड इन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड, बिल्कुल सेम है दोनों में, ओके। नाउ अब बात आती है कुछ एग्जांपल की, तो मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ सिंपल सा बेसिक एग्जांपल ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैं एक कर्नल लेके चलता हूँ, ठीक है, साइन ऑफ एक्स माइनस टू एक्साई, ओके। तो सबसे पहले है हमारे पास एग्जांपल हमारे पास फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल, ठीक है, रिजोल्वेंट कर्नल, ओके। तो के ऑफ एक्स एक्साई है हमारे पास, के ऑफ एक्स एक्साई है वो है साइन ऑफ एक्स माइनस टू एक्साई, वेयर जो एक्साई की वैल्यू है वो है जीरो से टू पाई के बीच में, ठीक है। अब हमें इस कर्नल के लिए, ठीक है, इस कर्नल के हमें क्या निकालना है, रिजोल्वेंट कर्नल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, आइटरेटेड कर्नल। तो ये हमने क्या मान लिया, के वन है, के एक्स एक्साई, ये हमने गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन। अब हम सबसे पहला जो के वन एक्स एक्साई वो इसी को मानते हैं, तो के वन एक्स एक्साई वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के एक्स एक्साई, जो किसके इक्वल है, साइन ऑफ एक्स माइनस टू एक्साई के इक्वल है।
ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास के एन प्लस वन एक्स एक्साई का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए टू बी के एक्स, यहाँ पे डमी वेरिएबल के एक्स टी इंटू के एन टी एक्साई डी एक्साई, ठीक है, सॉरी डी टी, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k2 x xi इज इक्वल टू लिमिट a टू b k x xi, ठीक है, k x t, और यहाँ पे k1 t xi, ठीक है, k1 t xi, और लिमिट का जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। अब जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, देखो ए टू बी, अब हमारे पास ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए की, और ये किसकी वैल्यू है, बी की, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 2π, ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो एक्साई है वो 0 से 2π तक जाता है। अब के एक्स टी है, तो के एक्स टी की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी साइन ऑफ एक्स माइनस टू टी, ठीक है, ओके। और यहाँ पे के वन टी एक्साई की, तो के वन टी एक्साई की वैल्यू होगी साइन ऑफ टी माइनस टू एक्साई इंटू डी टी और लिमिट 0 से 2π, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाए, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ओके। तो यहाँ से ये 1/2 बाहर एज इट इज, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 0 से 2π, ये फॉर्मूला आ जाएगा कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस ऑफ ए माइनस बी, तो एक्स माइनस टू टी माइनस टी और प्लस टू एक्साई, ठीक है, माइनस कोस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा एक्स माइनस टू टी प्लस टी माइनस टू एक्साई, ठीक है। ये हमने क्या कर दिए, फॉर्मूले एक्सपेंड कर दिए, ओके। और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टी। अभी सब सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से ये ओपन किया है। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 0 से 2π, ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2t और t माइनस के 3t और प्लस के 2 एक्साई, ठीक है, माइनस कोस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस टी और माइनस के 2 एक्साई, ओके डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 एज इट इज, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो साइन ऑफ एक्स माइनस थ्री टी प्लस टू एक्साई, ठीक है, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी का कोफिशियंट क्या है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री क्या आ जाएगा, अपोन, ठीक है, माइनस थ्री अपोन में माइनस, यहाँ पे कर रहे हैं तो कोस का साइन, तो साइन ऑफ एक्स माइनस टी माइनस टू एक्साई, और टी का कोफिशियंट कितना, माइनस, तो माइनस वन अपोन, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से 2π। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा के टू एक्स एक्साई इज इक्वल टू, देखो 1/2 एज इट इज़। सबसे पहले हम 2π करेंगे, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, टी की जगह क्या करना है, 2π, ओके। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस टू एक्साई, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें, 3 इंटू टी की जगह 2π, तो 3 इंटू टू 6π, तो माइनस के 6π, ओके, अपोन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे माइनस 3, ओके। फिर माइनस यहाँ पे करेंगे तो टी की जगह 2π, तो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस 2π माइनस के 2 एक्साई, ठीक है, अपॉन माइनस 1, ओके। और माइनस को भी यहीं एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख देते हैं, प्लस, तो ये जाएगा हमारे पास प्लस। अब हमने अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 साइन ऑफ टी की जगह 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्साई, तो साइन ऑफ एक्स प्लस टू एक्साई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -3, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों,
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरो पुट करना है। तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा x माइनस टू एक्स आई और माइनस में, ठीक है। तो माइनस साइन ऑफ x माइनस टू एक्स आई अपॉन कुछ नहीं, ठीक है, तो एज इट इज ओके। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस टू पाई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस टू एक्स आई, एक्स माइनस टू एक्स आई माइनस के टू पाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करूँगा, ठीक है, तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक्सपेंड करूँगा माइनस टू को, आगे लेके आऊँगा माइनस कॉमन लूँगा, तो ये टू पाई प्लस ये बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस टू एक्स आई, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, यहाँ से सिक्स पाई है तो सिक्स पाई कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस टू एक्स आई, ठीक है, ये हो जाएगा, और अपॉन थ्री, ठीक है। इस माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। इस वन बाई टू को बाहर ले रखा है हमने। अब देखो बच्चों, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो थ्रू आउट हमारे पास जो के टू एक्स एक्स आई है उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है, आफ्टर दिस सॉल्यूशन। अब जब के टू एक्स एक्स आई की वैल्यू जीरो आ गई, तो अब हम अगर के थ्री एक्स एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, तो के थ्री ऑफ एक्स एक्स आई, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा जीरो से टू पाई के वन एक्स टी, ठीक है, और यहाँ से के टू टी एक्स आई इंटू डी टी, और यहाँ से के टू की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ चुकी है, जीरो। तो अगर ये मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो जीरो से टू पाई के वन एक्स टी, और इसकी वैल्यू है जीरो इंटू डी टी, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन करूँगा तो कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट, तो अभी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो के थ्री भी हमारे पास क्या आ गया, जीरो। सिमिलरली अगर मैं के फोर फाइंड आउट करूँगा, के फोर एक्स एक्स आई, तो वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ओके। और अगर हमारे पास ऐसा आ रहा है, तो देखो के वन एक्स एक्स आई है सिर्फ, वो हमारे पास नॉन जीरो है, के टू भी जीरो आ रहा है, के थ्री भी जीरो आ रहा है, के फोर भी जीरो आ रहा है, आगे वाले सारे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। अब उसके बाद अगर हमें रिजोल्वमेंट करना लिखना हो, ठीक है, तो मान लो मैंने रिजोल्वमेंट कर्नल लिखना है, तो R ऑफ एक्स एक्स आई रिजोल्वमेंट कर्नल, रिजोल्वमेंट कर्नल R ऑफ एक्स एक्स आई लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होती है, लिमिट n इज वन वन टू इन्फिनिटी लैम्डा रेज टू पावर n माइनस वन के एन एक्स एक्स आई, ठीक है, या फिर k लैम्डा n। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे के वन प्लस लेमडा इंटू के टू, इस फॉर्म में, अब ये तो जीरो हो गया, आगे सारे जीरो, तो सिर्फ क्या रहता है, के वन, और के वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन ऑफ एक्स माइनस टू एक्स आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजोल्वमेंट कर्नल, ठीक है, ये हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम आगे कुछ हायर लेवल के रिजोल्वमेंट कर्नल फाइंड आउट करते हैं, तो वो देखो, ओके, ये हमारे पास है, ठीक है, पहले वाले में सारे जीरो आ गए थे तो इसलिए वो सिंपल था। अब देखो बच्चों, नॉर्मली जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की तरह है, यहाँ भी हमारे पास क्या बनती है, सिमेट्री बनने लगेगी, और उससे हमें पता चल जाएगा, जैसे हम मोस्टली के थ्री तक निकालते हैं, और जब हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सोल्व की थी तो हमने के फोर एक्स एक्स आई तक निकाला था, ओके, तो वहाँ से आप देख सकते हो, तो जनरली हमें के थ्री तक ही निकालते हैं, ओके। तो अब देखो इसके हम निकालते हैं, के एक्स एक्स आई हमें दिया हुआ है, और ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू पाई दी हुई है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको K1 मानना है, तो K1 लेट K1 x एक्स आई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Kx एक्स आई, और Kx एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेस टू पावर x cos ऑफ एक्स आई, ठीक है। देन बाय फॉर्मूला, हमारे पास क्या होता है, Kn एन एक्स एक्स आई इज इक्वल टू लिमिट a टू b, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, Kxt और Kn टी एक्स आई डी टी, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या है, जीरो, और बी की वैल्यू पाई है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे के एन प्लस वन, यहाँ पे एन वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के टू एक्स एक्स आई इज इक्वल टू लिमिट ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू हमारे पास पाई, और के एक्स टी, के एक्स टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ई रेस टू पावर एक्स कोस ऑफ टी, ठीक है, और यहाँ से टी एक्स आई की यहाँ से के वन, बिकॉज एन की वैल्यू हमने क्या पुट की है, वन पुट की है, तो ई रेस टू पावर टी इंटू कोस ऑफ एक्स आई,
ठीक है, यहाँ से हमारे पास के वन एक्स और लिमिट के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमें टी के जो वेरिएबल्स है वो तो यहीं रखने हैं और बाकी को हमने बाहर लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा के टू एक्स एक्साई इज इक्वल टू, अब देखो टी है तो हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स बाहर आ जाएगा, सिमिलरली कोस एक्साई है वो भी बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा जीरो से पाई ई रेस टू पावर टी, ठीक है, ई रेस टू पावर टी इंटू कोस ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर इंटीग्रेशन करना हो हमें ए टू बी, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन हमें जनरल इंटीग्रेशन करना हो ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू कोस ऑफ बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए कोस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बाय दिस फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन जो के टू एक्स एक्साई है, के टू एक्स एक्साई की वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू पावर एक्स कोस ऑफ एक्साई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू भी वन है और बी की वैल्यू भी वन है, तो ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वन का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर इंटू कोस ऑफ ए और बी की वैल्यू वन है तो कोस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट है वो है हमारे पास जीरो टू पाई, अपर लिमिट पाई है और लोअर लिमिट जीरो है। अब लिमिट पुट करते हैं, अब ये देखो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा वन का स्क्वेयर वन का स्क्वेयर, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू, और टू को हम क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया टू, इज दैट क्लियर। तो अब देखो ई रेस टू पावर एक्स कोस ऑफ एक्साई बाई टू, अब हम क्या करेंगे लिमिट पुट करते हैं, तो सबसे पहले पाई, तो ई रेस टू पावर पाई, ई रेस टू पावर पाई कोस ऑफ पाई प्लस साइन ऑफ पाई, ये हमने कर दी अपर लिमिट पुट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर जीरो क्या होगा वन, वन इंटू कोस ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ जीरो, ठीक है, ये हमने लिमिट पुट कर दी। अब देखो कोस ऑफ पाई क्या होता है माइनस वन, ठीक है, ये होता है हमारे पास माइनस वन, और कोस साइन पाई कितना होता है जीरो होता है, माइनस कोस जीरो क्या होता है वन होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है वन, ओके, और यहाँ पे साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर पाई माइनस वन, और माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो माइनस वन इंटू ई रेस टू पावर एक्स कोस ऑफ एक्साई अपॉन टू, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर पाई, ये बिकॉज टू यहाँ पे आया था इस टू को मैं यहीं ले लेता हूँ ये एज इट इज, और ई रेस टू पावर पाई यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया वन अपॉन टू, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई के टू एक्स एक्साई की। ठीक है, ये आ गई हमारे पास के टू एक्स एक्साई की, यानी जो हमारे पास ये इसको छोड़ के जो ये है हमारे पास ये इसका इंटीग्रेशन आया है, ओके। अब हम बात करते हैं के थ्री एक्स एक्साई की, तो अगर मैं यहाँ से के थ्री एक्स एक्साई निकालूंगा के थ्री एक्स एक्साई, तो वो होगा हमारे पास जीरो से पाई, ठीक है, जीरो से पाई के टू के वन एक्स टी इंटू के टू टी एक्साई इंटू डी टी, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब देखो अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो जीरो से पाई के वन एक्स टी, ठीक है, के वन एक्स टी की वैल्यू क्या है यहाँ से आ जाएगी के वन एक्स टी, तो ई रेस टू पावर एक्स कोस ऑफ टी, के टू टी एक्साई तो ई रेस टू पावर टी, ठीक है, के टू की वैल्यू ये रही तो माइनस वन, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है माइनस वन इंटू ई रेस टू पावर एक्स, तो ई रेस टू पावर टी कोस ऑफ एक्साई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर पाई प्लस वन अपॉन टू विद रिस्पेक्ट टू टी, इज दट क्लियर। अब वही सारे कॉन्स्टेंट बाहर, तो अब देखो माइनस वन बाहर और ये ई रेस टू पावर पाई प्लस वन अपॉन टू ये भी बाहर, और यहाँ पे क्या है ई रेस टू पावर एक्स ये भी बाहर, और कोस एक्साई है ये भी बाहर, तो जीरो से पाई ई रेस टू पावर टी, ई रेस टू पावर टी और कोस ऑफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन रह गया, और इसका इंटीग्रेशन अभी तो सोल्व किया हमने, ये इसका इंटीग्रेशन ही सोल्व किया है, तो ये माइनस वन ये बाहर एज इट इज ई रेस टू पावर पाई प्लस वन बाई टू, ठीक है, ओके, ई रेस टू पावर एक्स कोस एक्साई, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ये आया था, इसकी इसको छोड़ के ये सारा इसका इंटीग्रेशन था, तो ये जाएगा माइनस वन इंटू ई रेस टू पावर पाई प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, तो ये देखो माइनस वन और माइनस वन, तो कि हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वन का होल स्क्वेयर, और ये हमारे पास हो जाएगा ई रेस टू पावर पाई प्लस वन बाई टू का होल स्क्वेयर और इंटू ई रेस टू पावर एक्स कोस ऑफ एक्साई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास
के थ्री एक्स एक्स जाएगी। तो क्या तुम्हें सिमेट्री नहीं दिख रही? अगर हमारे पास के टू है तो इसकी पावर भी कितनी है, वन है, और इसकी पावर भी कितनी है, वन है। और जब मैंने के थ्री एक्स एक्स जाएगी वैल्यू निकाली तो इसकी पावर टू माइनस वन की और इस कॉन्स्टेंट की पावर भी टू, और ये साथ में कॉमन चल रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं के फोर एक्स एक्साई की वैल्यू निकालता तो ये हमारे पास आती के माइनस वन की पावर थ्री ई रेस टू पावर पाई प्लस वन अपॉन टू रेस टू पावर थ्री ई रेस टू पावर एक्स कोस ऑफ एक्साई। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं ऐसे चलते जाऊं तो हमारे पास जो के एन एक्स एक्साई है उसकी वैल्यू आएगी माइनस वन रेस टू पावर, ठीक है, या फिर हम एन तक ही चलाएंगे हम, तो के एन है, तो एन है तो ये एक कम है इससे, तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन ऑफ ई रेस टू पावर पाई प्लस वन, ठीक है, पावर में है ये, अपॉन टू रेस टू पावर एन माइनस वन ई रेस टू पावर एक्स कोस एक्साई। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई nth आइट्रेटेड कर्नल की। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई nth आइट्रेटेड कर्नल की। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें क्या निकालना है, रिजोल्वेंट कर्नल। तो अब देखो रिजोल्वेंट कर्नल के लिए क्या करेंगे हमारे पास, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये हमने k2, k3, k4 और kn की वैल्यू निकाल ली। तो अब हमारे पास बात आती है रिजोल्वेंट कर्नल की, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो वो देखो रिजोल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला क्या था, r ऑफ x एक्साई लैम्डा, ठीक है, लैम्डा है, ओके। तो ये हमारे पास था समेशन n इज गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी लैम्डा रेज टू पावर n माइनस वन के एन ऑफ एक्स एक्साई। ठीक है, तो अब देखो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा समेशन n इज गोइंग वन टू इन्फिनिटी लैम्डा रेज टू पावर n माइनस वन के एन एक्स एक्साई। के एन एक्स एक्साई की वैल्यू है माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन, ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर पाई प्लस वन अपॉन टू रेज टू पावर n माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर एक्स एक्साई। तो ई रेज टू पावर एक्स कोस ऑफ एक्साई, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजोल्वेंट कर्नल। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट सोल्व करना है, ओके। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये आपके लिए काम है, आप इसको सोल्व कर लेना और हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजोल्वेंट कर्नल। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने ये बता दिया कि हमें रिजोल्वेंट कर्नल कैसे, आइटरेटेड कर्नल कैसे फाइंड आउट करने हैं, ओके। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं, बिकॉज इसको सोल्व करना बहुत बड़ी महाभारत है, इसलिए इसको नहीं पूछेगा वो। इसमें सिर्फ उसने क्या पूछा, रिजोल्वेंट कर्नल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजोल्वेंट कर्नल, ओके। अगर वो पूछेगा तो नॉर्मली हमें वो लैम्डा की वैल्यू देगा कि लैम्डा की वैल्यू ये है, ठीक है। मान लो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वन होती तो ये कैंसिल आउट, तो इसको हम सोल्व करते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता, ई रेज टू पावर एक्सपेंशन बन जाता, ओके। तो ये हमारे पास था ये एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और करते हैं, वो देखो बच्चों ये हमारे पास है लास्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा हटके है इसमें। इसमें ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू वन है, ठीक है। तो सिमिलरली इसको हम क्या मानेंगे, के वन, तो के वन एक्स एक्साई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के ऑफ एक्स एक्साई, तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्साई, ठीक है। बाय फॉर्मूला क्या होता है, के एन प्लस वन एक्स एक्साई इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी के एक्स एक्साई और के एन, ठीक है, यहाँ पे टी इंटू टी ऑफ एक्साई डी टी। यहाँ से हम के टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एन को वन पुट करेंगे तो के टू एक्स एक्साई, ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट। ए की वैल्यू क्या दी है, जीरो, और बी की वैल्यू वन, तो जीरो टू वन के एक्स टी, तो के एक्स टी होगा ई रेस टू पावर एक्स प्लस टी, और ये हमारे पास हो जाएगा ई रेस टू पावर वन पुट करेंगे तो के वन टी एक्साई, तो ये हमारे पास हो जाएगा टी प्लस एक्साई इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास है ई रेस टू पावर एक्स है ये बाहर, ठीक है, और ई रेस टू पावर एक्साई है ये भी बाहर, और हमारे पास जीरो टू वन है, अंदर क्या रहेगा, ई रेस टू पावर टी प्लस टी, तो ई रेस टू पावर टू टी इंटू डी टी, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स प्लस एक्साई, ओके। अब क्या करो इसका इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू पावर एक्स प्लस एक्साई ई रेस टू पावर टू टी का ई रेस टू पावर टू टी अपॉन टू, और लिमिट है वो जीरो टू वन, और लिमिट पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर एक्स प्लस एक्साई, ये हमारे पास हो जाएगा ई स्क्वेयर बाय टू, ठीक है, और माइनस वन बाय टू, ठीक है, ओके। बिकॉज अपर लिमिट पहले वन पुट करेंगे तो ई स्क्वेयर
बाई टू माइनस ई रेज टू पावर जीरो वन वन बाई टू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वेयर माइनस वन बाई टू। इज दैट क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास के टू एक्स एक्साई की। अब हमें के थ्री एक्स एक्साई, तो के थ्री के लिए एन को टू पुट कर दो, तो के थ्री ऑफ एक्स एक्साई उसकी वैल्यू होगी लिमिट जीरो टू वन, एन को टू पुट किया है तो ये हमारे पास हो जाएगा के वन एक्स टी इंटू के टू ऑफ टी एक्साई इंटू डी टी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बोथ द फंक्शन जीरो वन के वन टी के वन एक्स टी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू पावर एक्स प्लस टी इंटू इसकी वैल्यू ये रही, तो ई रेस टू पावर टी प्लस एक्साई इंटू ई स्क्वेयर माइनस वन बाई टू, ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज और इंटू डी टी। सिमिलरली अब की बार भी हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे तो के थ्री ऑफ एक्स एक्साई है उसकी वैल्यू होगी, देखो ई रेस टू पावर एक्स प्लस एक्साई बाहर, ई रेस टू पावर एक्स प्लस एक्साई बाहर और ये फैक्टर भी बाहर, ई स्क्वेयर माइनस वन बाई टू ये फैक्टर भी बाहर, और इंटीग्रेशन किसका होगा जीरो से वन ई रेस टू पावर टू टी इंटू डी टी, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स प्लस एक्साई, देखो ई रेस टू ई स्क्वेयर माइनस वन बाई टू और एक फैक्टर यहाँ से ई स्क्वेयर माइनस वन बाई टू, तो ये हमारे पास जो के थ्री की वैल्यू आई है के थ्री एक्स एक्साई की, तो इसकी वैल्यू आ गई ई रेस टू पावर एक्स प्लस एक्साई ई स्क्वेयर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वेयर। अब देखो बच्चों, अब सिमेट्री बन रही है, जब हमें के टू फाइंड आउट किया तो इसकी वैल्यू वन थी और जब के थ्री फाइंड आउट किया तो इसकी वैल्यू टू है पावर में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे के फोर एक्स एक्साई की वैल्यू पुट करूँगा तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्साई और यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वेयर माइनस वन बाई टू की पावर एक कम, तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं के फाइव फाइंड आउट करता तो ये हमारे पास होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्साई ई स्क्वेयर माइनस वन टू की पावर फोर, ठीक है, तो यहाँ से हमें के एन एथ मिल गया, तो के एन एक्स एक्साई। सिमिलरली अगर मैं के एन एक्स एक्साई की वैल्यू निकालूंगा तो वो होगी ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्साई ई स्क्वेयर माइनस वन बाय टू की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ओके। अब हम रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करते हैं, तो रिजोल्वेंट कर्नल जो हमें फाइंड आउट करना है, तो आर ऑफ एक्स एक्साई लेमडा इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एन इज गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी और लेमडा की पावर एन माइनस वन इंटू के एन एक्स एक्साई, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एन इज गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, एन इज गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी लेमडा रेस टू पावर एन माइनस वन और इसकी वैल्यू ये रही, तो ई रेस टू पावर x प्लस एक्साई और ई स्क्वेयर माइनस वन बाई टू की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्या होगा, e रेस टू पावर x प्लस एक्साई है ये तो बाहर आ गया बिकॉज इस पे तो n चलेगा ही नहीं और ये हमारे पास रहेगा समेशन n इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, लैम्डा की पावर भी n माइनस वन है और इसकी पावर भी n माइनस वन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इन टू ई स्क्वेयर माइनस वन बाई टू, ठीक है, और इस सारे की पावर कितनी हो जाएगी एन माइनस वन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिजोल्वेंट कर्नल, और इसकी एक्सपेंशन तो आपको पता ही है, अगर एन को वन पुट करेंगे तो वन प्लस फिर इसकी वैल्यू वन फिर इसकी वैल्यू टू एंड अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई रिजोल्वेंट कर्नल की, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई रिजोल्वेंट कर्नल की, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब देखो हमने तीन एग्जाम्पल करे हैं जिसमें हमने रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट किया है, ओके। अब हम कुछ फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन सोल्व करेंगे जिसमें हम रिजोल्वमेंट कर्नल फाइंड आउट करें उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन कर्नल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा उसका रिजोल्वमेंट कर्नल और उसके बाद हमें क्या निकालना होगा उसका सॉल्यूशन, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नाउ डिस्कस सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेकिंग दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ, वन दिया हुआ है, ओके, ये हमारे पास है फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसको इस जो हमारे पास जनरल फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लिमिट a टू b k ऑफ x एक्साई y एक्साई इंटू d एक्साई, ठीक है, ये हमारे पास मान लो इक्वेशन वन है और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन टू है। नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, और अगर हम वन और टू को कंपेयर करेंगे
तो इट इम्प्लाइज दैट जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन बाई टू ई प्लस वन बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता था लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी वन बाई टू। और यहाँ से जो के एक्स एक्साई है, के एक्स एक्साई है वहाँ, यहाँ पे क्या है वन, और के एक्स एक्साई की जब कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आइटरेटेड कर्नल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम k1, तो k1 x एक्साई है तो वो तो इसी के इक्वल होगा, k ऑफ x एक्साई के, यानी किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है। अब बाय उस फॉर्मूले से हम k2 x एक्साई फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ से देखो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 0 टू 1, ओके। यहाँ पे k ऑफ एक्स टी और यहाँ पे k1 ऑफ टी एक्साई इंटू डी टी, तो यहाँ से वैल्यू होगी 0 टू 1, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा t और लिमिट 0 टू 1, तो 1 माइनस 0 तो कितना आ गया हमारे पास, 1, यानी जो k2 x एक्साई है उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, ओके। सिमिलरली अगर मैं k3 x एक्साई की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो वो होगी 0 टू 1 k1 xt इंटू k2 t एक्साई इंटू डी टी, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो 0 टू 1, इसके वैल्यू भी 1, इसके वैल्यू 1 इंटू टी, तो ये आएगा t 0 टू 1, तो ये आएगा 1 माइनस 0 तो कितना आएगा, 1। तो सिमिलरली k3 x एक्साई है वो भी कितना आ गया, 1 आ गया, यानी सारे कर्नल्स, आइटरेटेड कर्नल्स 1 आ रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो kn x एक्साई है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब रिजोल्वेंट कर्नल, तो रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगा, k ऑफ x एक्साई लैम्डा इज इक्वल टू समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1, और k n x एक्साई इज इक्वल टू समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1 इंटू 1, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ओके। अब ये हमारे पास क्या बन रही है, जीपी सीरीज, ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है रिजोल्वेंट कर्नल k ऑफ x एक्साई लैम्डा इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं n को 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1, फिर 1/2, फिर 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 की पावर क्यूब एंड अप टू सो ऑन। तो ये जीपी सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, ठीक है, जिसमें r की वैल्यू क्या है, 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/2 करेंगे तो 1, 1/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो 1, तो इसमें जो a की वैल्यू है वो तो है 1, और जो r है उसकी वैल्यू है 1/2, तो जो रिजोल्वमेंट कर्नल है k x एक्साई लैम्डा तो उसकी वैल्यू होगी a अपॉन 1 माइनस r, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो r x एक्साई लैम्डा उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की, ठीक है, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, तो इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट 0 टू 1, ठीक है। यहाँ पे होता है रिजोल्वेंट कर्नल के एक्स एक्साई लैम्डा, लैम्डा कितना है यहाँ पे, 1/2, तो 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्साई इंटू डी एक्साई, ठीक है। तो अब पुट कर दो लिमिट, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई बाई टू प्लस 1/2 प्लस 0 टू 1, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है जो कितनी है, 2 है, और एफ ऑफ एक्साई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्साई माइनस ई बाई टू प्लस 1/2 इंटू डी एक्साई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई बाई टू प्लस 1/2 प्लस, देखो 2 एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्साई का ई रेज टू पावर एक्साई माइनस ई बाई टू इंटू एक्साई प्लस 1/2 इंटू एक्साई, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट हमारे पास का क्या होगी, 0 टू 1। अब लिमिट पुट कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई बाई टू प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू, ठीक है। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर 1 तो ई, ठीक है, माइनस है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो e बाई टू, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/2, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर 0 माइनस 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस e बाई टू, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो माइनस 1/2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, और e बाई टू से
टू है, सबसे पहले हमने वन पुट की, तो वन पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर वन माइनस ई बाई टू प्लस वन बाई टू, ठीक है। जीरो पुट करेंगे, अच्छा ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ये जीरो हो जाएंगे, सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बचेगा, माइनस वन, ठीक है। तो ये एज इट इज वन बाई टू, ओके। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस टू की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई बाई टू प्लस वन बाई टू, तो ये जाएगा प्लस टू ई और माइनस टू से टू कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई, तो माइनस ई, और यहाँ पे करेंगे तो वन बाई टू माइनस वन, तो ये जाएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है, माइनस वन बाई टू, और इससे करेंगे तो माइनस टू बाई टू कैंसिल, तो कितना हो जाएगा माइनस के वन, ओके। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ओके। तो अच्छा, ये लेमडा था, यहाँ पे लेमडा भी है, तो लेमडा की वैल्यू वन बाई टू, ये हमने छोड़ दी, तो वन बाई टू टू बाई टू, ठीक है, तो टू बाई टू, और यहाँ पे करेंगे तो इसके अपोन में भी टू, इसके अपोन में भी टू, इसके अपोन में, ठीक है। अब देखो, ये जाएगा ई स्केयर माइनस ई बाई टू प्लस वन बाई टू, ठीक है, ये देखो टू ई माइनस ई, तो प्लस ई बाई टू और माइनस वन बाई टू, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना बच गया, ई रेज टू पावर एक्स, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वाई एक्स की। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन, दिस फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, जो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम कुछ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, ओके, तो उनको लेके चलते हैं, वो देखो। देखो बच्चों, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, वो फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन है, तो इसमें हमारे पास कंपेयर करेंगे वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटू ए टू बी के एक्स एक्साई वाई एक्साई डी एक्साई, ठीक है, ये वन है हमारे पास, ये टू है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे हम, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आएगी 5x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू वो आएगी 1 बाई टू, और जो के एक्स एक्साई है उसकी वैल्यू आ गई x इंटू एक्साई, ठीक है, और a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1, ओके। तो ये हमारे पास जो आइट्रेटेड कर्नल है, आइट्रेटेड कर्नल, ठीक है, तो के वन एक्स एक्साई है, उसकी वैल्यू तो यही आ जाएगी के एक्स एक्साई, तो एक्स इंटू एक्साई, ठीक है, तो बाय फॉर्मूला यहाँ से जो के टू एक्स एक्साई है, के टू एक्स एक्साई, उसकी वैल्यू होगी लिमिट, और सॉरी इंटीग्रेशन ए टू बी यानी 0 to 1 ऑफ के एक्स टी इंटू के वन टी एक्साई इंटू डी टी, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो 0 to 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की मल्टीप्लाई जो वेरिएबल है, तो एक्स इंटू टी इंटू टी इंटू एक्साई इंटू डी टी। अब ये देखो बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा, देखो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स एक्साई बाहर, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट रेट होंगे, तो 0 to 1 टी स्केयर इंटू डी टी, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स एक्साई, टी स्केयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई क्यूब, और लिमिट 0 to 1, तो लिमिट पुट करेंगे तो 1/3, 1 की क्यूब 1/3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्साई इंटू 1/3, ओके। तो ये आ गई हमारे पास के टू की वैल्यू, के थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो के थ्री एक्स एक्साई, तो इसकी वैल्यू होगी लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 1, तो सबसे पहले के वन एक्स टी, तो ये जाएगा एक्स इंटू टी इंटू के टू ऑफ टी एक्साई, तो के टू ऑफ टी एक्साई होगा टी इंटू एक्साई इंटू 1/3 इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे 1/3 बाहर, ठीक है, और के इंटू एक्साई भी बाहर, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका रहेगा, 0 to 1 टी इंटू टी टी स्केयर इंटू डी टी, और इसका अभी किया हमने जो कितना आया है 1/3, तो ये जाएगा एक्स इंटू एक्साई इंटू 1/3 का स्केयर, तो ये आ गया हमारे पास के थ्री एक्स एक्साई। सिमिलरली अगर मैं के फोर एक्स एक्साई निकालूंगा, तो ये हमारे पास होगा के इंटू एक्साई 1/3। देखो सिमिट्री बन रही है, जब मैंने 2 किया तो इसकी पावर कितनी थी, यहाँ पे 1 थी, जब 3 निकाला तो 2 थी, के 4 निकालूंगा तो कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमें के एन एक्स एक्साई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो के एन एक्स एक्साई की वैल्यू होगी हमारे पास एक्स इंटू एक्साई, ठीक है,
इंटू वन बाई थ्री रेज टू पावर, वन बाई थ्री रेज टू पावर n है तो एक कम, तो कितना हो गया हमारे पास n माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है। तो रिजोल्वेंट कर्नल r ऑफ x xi इंटू ऑफ लैम्डा, लैम्डा कितना है यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू है 1/2, तो कॉरस्पॉन्डिंग 1/2, तो ये होगी समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, लैम्डा यानी 1/2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, इंटू के एन एक्स एक्साई, के एन एक्स एक्साई की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, जो क्या है x इंटू एक्साई 1/3 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो के एक्स एक्साई बाहर आ जाएगा, के इंटू एक्स, के एक्स इंटू एक्साई बाहर, लिमिट n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1 और 1/3 रेज टू पावर n माइनस 1, तो टोटल होगा 1/6 रेज टू पावर n माइनस 1। तो अभी भी क्या बनेगी, ये जीपी सीरीज बनेगी। ठीक है, तो जीपी सीरीज बनेगी तो ये हो जाएगा x इंटू एक्साई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/1 - 1/6। ठीक है, तो ये होगी x इंटू एक्साई 6 - 1 5/6, तो ये आ गई 6/5। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी आ गई, रिजोल्वेंट कर्नल की वैल्यू। हैंस रिजोल्वेंट कर्नल की वैल्यू आ गई आर एक्स एक्साई ऑफ 1/2, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/2, ये आ गई हमारे पास 6x एक्साई बाय 5। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लिमिट 0 to 1 r ऑफ x एक्साई 1/2 इंटू f ऑफ एक्साई इंटू d एक्साई। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, इसकी क्या f ऑफ x की वैल्यू 5x/6 प्लस लैम्डा, लैम्डा कितना है यहाँ पे 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1, इसकी वैल्यू है 6 x एक्साई / 5 इंटू f ऑफ एक्साई की वैल्यू क्या होगी 5 x एक्साई / 6 x d एक्साई। 6 से 6 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, एक्साई के रिस्पेक्ट में करना है तो x भी बाहर, तो ये हो जाएगा 5x/6 + 1/2, ये हो जाएगा x बाहर और इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्साई इंटू एक्साई एक्साई स्क्वेयर इंटू डी एक्साई। ठीक है, यह हो जाएगा 5x/6 + x/2। अब देखो इसका क्या होगा, इसका होगा एक्साई क्यूब बाय क्यूब और लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 - 0 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, तो ये आ गया हमारे पास x/6, टोटल कितना हो गया x/6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x/6, 6 से 6 कैंसिल, तो ये वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास सिर्फ x, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल जर्नल सॉल्यूशन ऑफ वन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। सो दिस इज द आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हमको स्किप नहीं करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, उस पे आते हैं। तो बच्चों ये मैं जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास जनरल वैल्यू है कि एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो उसकी फॉर्म में निकालेंगे। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और कर्नल की वैल्यू है के ऑफ एक्स एक्साई। यहाँ से हमें जो कर्नल है के ऑफ एक्स एक्साई है उसकी वैल्यू है ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई। ओके, तो आइटरेटेड कर्नल निकालेंगे हम। तो सबसे पहले के वन एक्स एक्साई, तो ये तो इसी की वैल्यू होगी के ऑफ एक्स एक्साई, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई। ठीक है, तो अब हम किसकी निकालेंगे के टू, तो के टू ऑफ एक्स एक्साई, तो इसकी वैल्यू होगी लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन 0 to 1 के ऑफ एक्स टी इंटू के वन टी ऑफ एक्साई इंटू डी टी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बोथ द कर्नल फ्रॉम अबव इक्वेशंस वी फाइंड आउट 0 to 1 के एक्स टी, तो के एक्स टी हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस एक्साई इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to 1 e रेज टू पावर t से t कैंसिल, तो e रेज टू पावर x माइनस एक्साई डी टी, ई रेज टू पावर x माइनस एक्साई बाहर, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 डी टी, तो ये हो जाएगा 1 - 0 तो इंटू 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई के टू एक्स एक्साई की। सिमिलरली अगर मैं के थ्री एक्स एक्साई निकालूंगा तो के थ्री एक्स एक्साई है उसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन 0 to 1 के वन ऑफ एक्स टी इंटू
के टू ऑफ टी एक्साई इंटू डी टी। अब देखो ये हमारे पास हो जाएगा 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी, और इसकी यहाँ से तो टी माइनस एक्साई इंटू डी टी, तो 0 to 1 तो ये टी से टी कैंसिल, तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई डी टी। सिमिलरली ये भी कितना आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई, तो के थ्री एक्स एक्साई भी कितना आ गया ये, तो सेम वैल्यू आ रही है। तो सिमिलरली अगर मैं के फोर एक्स एक्साई निकालता तो ये आता ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई, तो हैंस हैंस के एन एक्स एक्साई है उसकी वैल्यू आ गई एक्स माइनस एक्साई। ठीक है, नाउ रिजोल्वेंट कर्नल। ठीक है, रिजोल्वेंट कर्नल के एक्स एक्साई ऑफ लैम्डा, ये हमारे पास कितना आएगा, समेशन एन इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस 1 के ऑफ एक्स एक्साई के एन। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एन इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity लैम्डा की पावर एन माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या है ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई, ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई बाहर, ये हो जाएगा एन इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस 1। तो अभी भी वो क्या बनेगी, एक जीपी सीरीज बनेगी, तो जीपी सीरीज बनेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई टू 1/1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इफ लैम्डा की वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में, तभी ये पॉसिबल है। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर ऑफ एक्स एक्साई लैम्डा। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा हमारे पास वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा। ठीक है, 0 to 1। ओके, यहाँ पे आर एक्स एक्साई, तो आर एक्स रिजोल्वेंट कर्नल आर एक्स एक्साई कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्साई इंटू डी एक्साई, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा 0 to 1। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई इंटू एफ ऑफ एक्साई, और ये अपोन में 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इंटू डी एक्साई, इट कैन बी रिटन एज वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा अपोन 1 माइनस लैम्डा 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्साई एफ ऑफ एक्साई इंटू डी एक्साई। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन। ओके, तो ये मैंने जनरल क्वेश्चन करवाया कि इस टाइप की इक्वेशन हो तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आज हमने 3-4 एग्जाम्पल, तो आइटरेटेड कर्नल कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिजोल्वेड कर्नल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हमने कुछ फेरडोर इंटीग्रल इक्वेशन सो सेकंड काइंड की है उनका सॉल्यूशन बाय रिजोल्वेंट कर्नल से सीखा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि हमने वोल्टेरा के लिए तो पहले पढ़ लिया था, जितने भी क्वेश्चन है उस पर आप अगर एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू लोगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सोल्व की थी, तो हमने वहाँ पे जो वेरिएबल लिया था एक्स, उसकी तरह उसकी जगह कुछ भी लोगे तो वो फेरडोल इक्वेशन बन जाएगी, तो उसके लिए अभी आप सेम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, तो आज हमने जो टॉपिक किया है वो है सोल्यूशन ऑफ वोल्टे फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ आइटरेटेड या फिर रिजोल्वेंट कर्नल। ओके, सो यहाँ तक हमारे जो मोस्टली टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन की वो कवर हो चुके हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ गेट एनसीएसआई या नेट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम आगे सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास किसी भी वीडियो लेक्चर के सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।